एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर क्या जो भी होल नंबर होता है वो एक नेचुरल नंबर है देखते हैं चेक करते हैं एवरी होल नंबर होल नंबर क्या होता है होल नंबर आप सबको पता होगा जो जीरो से इन्फिनिटी तक हो एंड नेचुरल नंबर क्या होता है जो वन से इन्फिनीटी तक हो तो होल नंबर हमारा हो जाएगा जीरो वन टू थ्री डॉट डॉट इन्फिनीटी एनाओ नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा वन टू थ्री डॉ डॉट डॉट इन्फिनीटी तक ठीक है तो क्या एवरी होल नंबर इज तो सारा जो होल नंबर है वो नेचुरल नंबर हो सकता है तो देखो आप लोग होल नंबर में क्या एक्स्ट्रा है होल नंबर के पास जीरो एक्स्ट्रा है और नेचुरल नंबर में जीरो तो है ही नहीं मिसिंग है यहाँ पर तो कैसे हो सकता है डैट मीन्स नो नहीं हो सकता नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है ना ठीक है तो इसका हमारा सिंपली आंसर हो जाएगा नो ओके लेट्स सी आवर सेकंड क्वेश्चन आवर सेकंड क्वेश्चन इज एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीज़र क्या जो भी नेचुरल नंबर होता है वो एक इंटीज़र होता है ठीक है देखते हैं तो नेचुरल नंबर क्या होता है नेचुरल नंबर पर आपको थोड़ी देर पहले बताया वन टू एंड डॉट डॉट इन्फिनिटी तक ऐसी और इंटीजर uh, क्या होता है इंटीजर तो इंटीजर तो वैसे हमारा माइनस में भी होता है ना माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री फिर वन टू थ्री ऐसे इन्फिनी तक जाता है इंटीजर्स में तो हमारा माइनस वाला पार्ट भी आता है माइनस वाला पार्ट भी आता है ना तो क्वेश्चन क्या है एवरी नेचुरल नंबर इज तो क्या जो भी नेचुरल नंबर है वो इंटीजर हो सकता है या yeah, ऑफकोर्स हो सकता है क्योंकि नेचुरल नंबर में सिर्फ वन टू इन्फिनीटी तक आते हैं और इंटीजर्स में माइनस का जो पार्ट आता है वो तो अलग बात है आता ही आता है पर पॉजिटिव का तो पार्ट भी तो आता है जो कि इन्फिनिटी तक होता है ठीक है तो डैट मीन्स यस दैट मीन्स हमारे जो भी नेचुरल नंबर होते हैं वो सब इंटीजर हो सकते हैं ठीक है तो ये है ट्रू लेट्स सी आवर थर्ड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन इज एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर क्या जो भी इंटीज़र होते हैं वो होल नंबर हो सकते हैं तो नहीं हो सकते क्योंकि इंटीज़र मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया माइनस में भी चले जाते हैं और जबकि होल नंबर जो होता है वो सिर्फ ज़ीरो टू वन टू ऐसी इन्फिनीटी तक जाता है और इसमें और इसमें क्या होता है हैगा इसमें पॉजिटिव वाला पार्ट भी आ जाता है ना इंटीजर्स में और इसमें सिर्फ पॉजिटिव ही रहता है निगेटिव नहीं रहता है ठीक है तो क्वेश्चन क्या पूछा है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर क्या जो भी इंटीजर होते हैं होल नंबर हो सकते हैं तो नहीं नॉट ये भी नहीं हो सकता ठीक है सो लेट्स सी आवर फोर्थ क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन इज एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर क्या जो भी इंटीजर होता है वह रेशनल नंबर होता है लेट्स सी इंटीजर्स क्या हो रेशनल नंबर क्या होता है पी बाई क्यू के फॉर्म में इंटीजर क्या होता है इंटीजर हमारे माइनस में कुछ भी ले लो आप माइनस टू ही ले लेते हो तो क्या ये पी वाई क्यू के फॉर्म में है येस ऑफ कोर्स है क्यों है भाई तो क्यों नीचे वन है इसका तो इक्वल टू पी वाई क्यू के फॉर्म में आ गया अब आप यहाँ पे सोचोगे मैंने माइनस वाला पार्ट ले देखिए मैं एक पॉजिटिव पार्ट लेके भी दिखा देती हूँ एट बाई वन भी ले, ले लेंगे ये भी पी वाई क्यू के फॉर्म में आ जाएगा एंड तो ये भी इक्वल हो गया तो समझे तो ये भी ट्रू हो जाएगा दैट मीन्स यस ये भी हमारा ट्रू लेट्स सी य फिफ्थ क्वेश्चन एवरी रेशनल इज अ फ्रैक्शन क्या जो भी रेशनल नंबर होता है फ्रैक्शन होता है ठीक है तो देखते हो तो पे थे गाइस एवरी नंबर इज अ फ्रैक्शन क्या जो भी नंबर होता है फ्रैक्शन होता है तो देख लेते हैं इसका भी एक एग्जाम्पल इसके थ्रू आपको पता चल जाएगा तो जैसे एट है एट एक रेशनल नंबर है आप लोग कहोगे यस एक रेशनल नंबर है तो क्या ये फ्रैक्शन में है नहीं है फ्रैक्शन में नहीं है तो भी आप लोगों ने इसको क्या बोल दिया कि ये एक रेशनल नंबर है है ना ठीक है तो एवरी रेशनल फ्रैक्शन तो नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता जो भी रेशनल नंबर होगा वो जरूरी नहीं है कि फ्रैक्शन में ही हो बिना फ्रैक्शन के भी हो सकता है तो ठीक है तो दैट मीन्स ये स्टेटमेंट जो है फॉल्स है ओके okay, तो फॉल्स लेट सी आवर सिक्स क्वेश्चन विच इज आवर लास्ट क्वेश्चन एवरी फ्रैक्शन इज अ रेशनल नंबर क्या जो भी फ्रैक्शन होता है वो रेशनल नंबर होता है देख लेते हैं तो फ्रैक्शन में कौन कौन सा पार्ट होता है न्योमिनेटर होता है एंड डिनोमिनेटर होता है ठीक है नोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर होता है फ्रैक्शन में पार्ट तो फ्रैक्शन का जो पार्ट होता है तो क्या वो रेशनल नंबर होता है तो रेशनल नंबर हमारा क्या होता है वो भी तो पी बाई क्यू के फॉर्म में ही होता है ना पी बाई क्यू के फॉर्म में ही होता है एंड सपोज अगर फोर लिख दूँ फोर बाई फाइव तो क्या ये एक रेशनल नंबर है येस yes, ऑफकोर्स है ऑफकोर्स है ये एक रेशनल नंबर क्यों है भाई तो क्योंकि ये पी बाई क्यू के फॉर्म को फॉलो कर रहा है ठीक है तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू ऑफकर्स ये कृष्ण नंबर है ट्रू ओके तो आज के लिए बस इतना ही गाइस मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर एंड थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच